भारत में हो रहे चीनी उत्पादों के बहिष्कार पर चीन पूरी तरह बौखला गया है। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि इसका असर सिर्फ चीन के निवेश पर ही नहीं बल्कि दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ेगा। उरी हमले के बाद चीन ने मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों का खुलकर समर्थन किया था, जिसके बाद से ही देश भर में लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में चीनी बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। चीनी सामान के बहिष्कार के बाद चीन इतने गुस्से में आ गया है कि उसने भारत को धमकी दे दी है। चीनी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, भारत में कुल निर्यात का 2% हिस्सा ही जाता है, इसलिए भारतीय बहिष्कार का अधिक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें चीनी इकाइयों की ओर से भारत में होने वाले निवेश पर बुरा असर पड़ेगा और साथ ही दोनों देशों के रिश्ते भी प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से पूरे देश में चीन के सामान का बहिष्कार करने की मुहिम छिड़ी हुई है। लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही बाकी लोगों से भी चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जा रही है। भले ही देश में चीनी सामान के बहिष्कार की बयार बह रही हो, लेकिन भारत सरकार ने चीनी उत्पादों पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और वो अभी भी बाजार में खूब बिक रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।